वेलकम टू दिस चैनल गाइस। आज हम जानेंगे कि जो भी लोग आपसे जेलेसी रखते हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है। ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब भी इसे देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। आइए जानते हैं कि आपसे जेलेसी रखने वाले लोग अभी क्या सोच रहे हैं एंड अभी उनकी करंट एनर्जी क्या है। देखिए, करंट में ये जो भी जिन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था या आपसे जो लोग जेलसी रखते थे, इनकी एनर्जी अभी फ़िलहाल में स्टक वाली दिख रही है। ठीक है, ये कुछ भी इनकी लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है, या ये कह सकते हो कि इनकी लाइफ में ये कोशिश तो बहुत कर रहे हैं लेकिन अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा अचीव नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ ये सोचते रह जा रहे हैं, प्लानिंग तो कर रहे हैं लेकिन प्लानिंग के अकॉर्डिंग ये प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं और आगे की जो भी प्रोसेस है वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा मुझे इन कार्ड्स के थ्रू पता चल रहा है। बैलेंस होने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं बैलेंस भी नहीं हो पा रहे हैं, निराशा ही इनके हाथ लग रही है। अभी करंट में आपके जो जेलसी रखने वाले लोग हैं इनकी करंट एनर्जी कुछ ऐसे नज़र आ रही है, हर्मिट वाली एनर्जी है। मतलब बिल्कुल होपलेस अपनी लाइफ में हो चुके हैं, कुछ भी इनकी लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है। पैसों को लेके इनकी लाइफ में तंगी चल रही है, पैसों को लेके भी ये मारे मारे यहाँ वहाँ फिरते हुए नज़र आ रहे हैं। पैसों के लेके बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। एक साथ कई सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं इस चीज़ में हाथ डाल के देख लेते हो लेता हो या कहीं उस चीज़ में हाथ डाल के देख लेता हो, शायद यहाँ से मुझे कोई आउटकम मिल जाए, शायद इस जगह से मुझे कोई आउटकम मिल जाए, लेकिन इनके हाथ में कुछ भी नहीं लग पा रहा है। सभी जगह से इनको निराशा ही हाथ लग रही है। मेहनत भरपूर कर रहे हैं लेकिन जितनी मेहनत ये कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इनको फल नहीं मिल रहा है। मेहनत हर तरीके से कर रहे हैं, खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं या ये कह सकते हैं कि थोड़ा खुद को स्पिरिचुअल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअल दिखावे के लिए ज़रूर करते हुए दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, ये पर्सन जो है स्पिरिचुअल दिखाते हैं खुद को कि ये बहुत स्पिरिचुअल है लेकिन ऐसा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। दिखावे के लिए स्पिरिचुअल होते हैं ये जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया था या ये जो ब्लैक मैजिक आपके ऊपर हुआ था, ये कोई लेडी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, ये एक लेडी है और इस लेडी ने किसी को बोल के आपके ऊपर ये इस टाइप से करवाया था। ठीक है, और अब जो भी कुछ करवाया था इन्होंने तो इसका इनको फल ये मिल रहा है कि भगवान जो है इनको इनका जो कर्मा है इन्हीं को वापस दे रहे हैं। ठीक है, खुद को बिल्कुल अकेला पा रहे हैं, कहीं से भी इनको अपने लिए इज्जत नहीं मिल रही है या जो लोग इनके साथ में थे या जो भी लोग इनको अच्छा कह रहे थे, अभी की सिचुएशन ये है कि सभी लोग इनको नकारते हैं। सभी लोग इनको इनके सामने तो अच्छा कहेंगे लेकिन इनके पीठ पीछे इनको बहुत बुरा बोलते हैं। पैसों की इनको बहुत ज़्यादा तंगी होने वाली है आने वाले समय में। सब तरफ से कोशिश करेंगे कि ये लाइफ को स्टेबल करें लेकिन कहीं से भी इनकी लाइफ स्टेबल होते नहीं दिख रही है। खुद को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस करेंगे, इनको ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ भी इनकी बस में नहीं है, सारी चीज़ें इनके हाथ से निकलते जा रही हैं, इनको ऐसा लगने वाला है आने वाले समय में। या फिर अभी की एनर्जी की अगर बात की जाए तो फाइनेंशियली इनको कुछ ना कुछ लॉस होते हुए मुझे दिख रहा है। ठीक है, और ऐसा भी दिख रहा है कि इनकी फैमिली में या इनको हेल्थ वाइज कुछ फेस करना पड़ रहा है अभी फ़िलहाल में। ठीक है,
बहुत ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं मुझे, ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं, सोचते रह जा रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, खुद को थोड़ा भगवान के लिए समर्पित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी इनको सक्सेस नहीं मिल रही है। ठीक है, जो कुछ भी है इनके पास में उसमें भी ये खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। एक तरीके से कह सकते हैं इनकी जो भी सोची समझी प्लानिंग थी वो पूरी प्लानिंग इनकी धराशायी हो गई। ठीक है, सब लोगों की तरफ से इनको झूठ देखने मिल रहा है। अभी तक के ये जो किसी दूसरे पर्सन के बारे में किसी को बोलते थे कि ये ऐसा है ये वैसा है, मतलब चुगली करने वाली जो सिस्टम है, तो इनकी आदत थी चुगली करने की। ठीक है, अब ये हो रहा है कि ये जो चीज़ें दूसरों के लिए इस टाइप से करती थी या करते थे, अब सेम चीज़ ये इनके साथ भी हो रही है। ठीक है, और इसी वजह से ये जो है बहुत ओवर थिंकिंग करते हुए और बहुत बर्डन में आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी मैरिड लाइफ में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, फाइनेंशियली तो ये बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं, इसीलिए ये बिल्कुल होपलेस सिचुएशन में जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और इनके फैमिली में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न मुझे नज़र आ रहा है, फैमिली में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न नज़र आ रहा है, और ग्रुपिज्म बहुत ज़्यादा चल रहा है, या कह सकते हैं ये जो आपके ऊपर जो ब्लैक मैजिक हुआ था, ये पर्सन जो है, ये जो पर्सन है ये किसी के पास जाकर आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक करवाई हुई है। और अब जब आप लोग अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें भी इनसे देखी नहीं जा रही है, ये सारी चीज़ें देखी नहीं जा रही है, और ये बार 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 जाके अब इन्हीं लोगों के पास में जिनसे इन्हें करवाया था उनसे जाके ये पूछ रहे हैं कि ये कैसे स्टेबल हो रहे हैं, ये कैसे अपनी लाइफ में अच्छे हैं, और ये सारी चीज़ें जो हमने इनके लिए करवाई हुई थी अब ये हमको क्यों फेस करना पड़ रहा है। तो ये जो थर्ड पर्सन है जिन्होंने ये सारी चीज़ें की थी, वो आपके लिए ये कह रहा है कि जिनके ऊपर आपने करवाया हुआ था वो खुद भी स्पिरिचुअल है। ठीक है, भगवान में बहुत बिलीव करता है, एंड भगवान जो उनकी सेवा करते हैं या भगवान जिनकी जो भी भगवान की शरण में होते हैं तो भगवान उनकी रक्षा तो करेंगे ही। तो ये थर्ड पर्सन की तरफ से इनको कुछ ऐसा सुनने मिल रहा है, और अब सिचुएशन ये हो रही है कि जो भी कुछ इन्होंने नेगेटिव किया था ये सारा चीज़ें इनको ही फेस करना पड़ रहा है, और इनकी लाइफ स्टक सी हो चुकी है। मनी को लेके बहुत प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़े, सब कुछ एंडिंग वाली सिचुएशन इनकी लाइफ में नज़र आ रही है, और अभी इनको और भी कर्मा यही सारी चीज़ें फेस करना पड़ेगा। तो ये आप लोगों के जो भी जेलसी रखते हैं उन लोगों की करंट एनर्जी थी। एंड गाइस, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड शेयर करें, कमेंट्स भी ज़रूर करें। थैंक यू।